हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हेमर माइन का जॉब प्रो काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। हेमर मैन जो है, जो की मैन जो होता है उसी को हेमर मैन भी बोला जाता है। तो आप जो रेलवे का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें जो पीवे विभाग है तो उसमें 2400 ग्रेड पे में जो है की मैन होता है। तो की मैन को ही हेमर मैन भी आप बोल सकते हैं। बहुत सारे जो LDC वगैरह का पोस्ट जो निकलता है उसमें जो है हेमर मैन लिखा हुआ रहता है। तो आप ये समझे, हेमर मैन कहने का सेंस हुआ की मैन। की मैन का आपका वर्किंग पता ही है, तो वही हेमर मैन का भी रहेगा कि जो भी जो बीट है वो कंसर्न की मैन का या हेमर मैन का, तो अपने जो है बीट में जो है जो जो डिक्शन का किलोमीटर है उसमें जो भी ERC पेंडल है उसका में अगर खुला हुआ है तो उसको क्या है हेमर से जो है फिर से उसको लगा देना रहता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है। उसके बाद यही बीट में जो है 2 बार जो है दिन में जो है घूमना रहता है। जब से भी मॉर्निंग से स्टार्ट होता है वर्किंग, सुबह 5 बजे से ठंड में या अगर गर्मी का समय है तो 6 बजे से भी होता है, कहीं 7 बजे से होता है। वो डिपेंड करता है किस लोकेशन पर आप जॉब कर रहे हैं, कौन से सिटी में, कौन से एरिया में, उसके हिसाब से जो है आपके जो SSCPV जो इंचार्ज होता है उनके द्वारा जो है टाइम टेबल आता है कितने बजे से जो है कौन सा कीमेन चलाया जाएगा, या डिवीजन से जो है ये सारा चार्ट आता है उसके अनुसार चलाया जाता है। तो हेमर मैन कहने का सेंस यही हुआ, जो कीमेन का वर्किंग रहता है, जो अपने जो डिक्शन में ERC वगैरह का जो लगाना रहता है या लाइनर वगैरह कहीं मिसिंग है तो उसको रिक्रूटमेंट जो करना रहता है, एक्चुअली वही कार्स हेमर मैन का रहता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हेमर मैन क्या होता है इसके रिगार्डिंग डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।